Hello, hello, hello. Attention over here, everybody. 3, 2, 1, go. Oh, baby, a triple. Hey, what is up, people? It's Kim Kokar here with you. Guys, कैसे हो आप लोग? I'm sure आप सब मजे कर रहे होंगे. तो guys, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रूट स्नाइपर की. तो रूट स्नाइपर ने कल अपने कम्युनिटी पोस्ट में बोला था कि उनको 2 स्ट्राइक पड़ चुकी है, तो सब लोगों से सपोर्ट मांगा था. तो आज उन्होंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट में डाला और उन्होंने बोला कि सबकी सब स्ट्राइक हट चुकी है. सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू रूट स्नाइपर जो कि उनकी सारी के सारी स्ट्राइक हट चुकी है. और गेमर राव अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के डिस्कॉर्ड सर्वर पे ये मैसेज लिखा था, जो कि इनका मैसेज आया था कम्युनिटी पोस्ट रूट स्नाइपर का. उनसे पहले इन्होंने ये मैसेज लिखा था. तो ये था गेमर राव का कहना. उन्होंने लिखा है, Guys, I have removed copyright strikes from both Ryut Sniper and Kuru and also deleted my Dynamo exposed videos from my channel. मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कोई और सफर हो या किसी को हेट मिले. I am done with YouTube. Thank you for all for hating me and supporting me. Love you all. This is not the end. I will reboot and start with the new beginning. Duo में याद रखना. तो ये था गेमर राव का कहना. तो गाइस, नेक्स्ट स्टोरी आ रही है GTXPreet की तरफ से. उन्होंने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दिए है और उनकी लास्ट स्ट्रीम में मॉर्टल ने रेड की थी. तो आइए देखते हैं उनका रिएक्शन क्या था. GTXPreet, कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम मॉर्टल डाल दीजिए उन्हें. कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम एंड ही इज अबाउट टू रीच ओनली 200 ओनली 800 लेफ्ट. व्हाट टाइट 700 लेफ्ट. GTX भाई, कांग्रेचुलेशंस टू यू मैन ऑन दैट 1 मिलियन मार्क. 1 मिलियन मॉर्टल भाई. Oh, I love you. Thank you so much. Oh, dad. Oh, ये मैं देखूँगा live देखूँगा. रुक रुक 2 मिनट. मैं भी बात. Oh, bye 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 bye. कोई game नहीं होगी अभी. भाई mortal भाई की raid आई है. बहुत ही तगड़ा भाई. पटेल गेम्स, थैंक यू भाई. सबको थैंक्स यार. वेलकम है सबका. जो भी mortal भाई की तरफ से है, सबको लव यू. सबको लव यू गाइस. सबको लव यू यार. भाई mortal भाई आपको ही देख रहे हैं. ओ भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. मॉर्टल भाई, थैंक यू सो मच यार. थैंक यू सो मच भाई. ये भाई मैं जिंदगी भर याद रखूंगा कि भाई 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए थे और मॉर्टल भाई ने रेड किया था. ओ भाई, 1000 पे कितनी जल्दी हो रही है. ओ भाई, अबे भाड़ में गई गेम. मेरे को सब्सक्राइबर देखने दो, मेरे को भाई रेड देखने दो प्लीज. ओ भाई साहब, एग्जिट कर देते. आ जाओ पहले लॉबी आ जाते हैं. लॉबी आ जाओ यार. पहले 1 मिलियन भाई, 1 मिलियन सेलिब्रेशन विद मॉर्टल भाई. क्या बात है, क्या बात है भाई. तगड़ा भाई सभी को कांग्रेचुलेशन. लव यू, लव यू, लव यू एवरी वन. Love you everyone यार. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for the love and support guys. 1 million subscribers. एक thanks mortal भाई को बनता है. Thank you so much. Thank you so much mortal भाई. Thank you. तो guys, next story आ रही है Indian gaming community की तरफ से. तो यार, I can't believe यार ये चीज हो रही है इंडिया में. मतलब पता है कि इंडिया में सबसे, मैं अगर 2-3 साल पहले की बात करूँ, मतलब इंडिया में गेम नाम की मतलब चीज, मतलब किसी को पता ही नहीं था कि गेमिंग स्पोर्ट में ये सब इतना बड़ा होता है. कंपटीशन होते हैं, लोगों को प्राइज मिलते, लाखों रुपए मिलते, ऐसे टीम नाम की ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ होता है. और पबजी मोबाइल के बाद जो रिवोल्यूशन आया इंडिया में स्पोर्ट का, मतलब काफी ज्यादा, मतलब तगड़ा, मतलब काफी सीन ही पूरा बदल दिया. अगर मेरी बात करूं, मैं 2-3 साल पहले मैंने जब मेरा पूरा पीसी का जो बिल्ड बनाया था, मैंने ये सोच के बनाया था कि मैं ई-स्पोर्ट में जाऊंगा, कोई गेम को अच्छी खेलूंगा, उसमें आगे बढ़ूंगा, उसमें मैं अपना करियर बनाऊंगा. ठीक है, तो मैं पहले स्टार्टिंग में, मैं जब 15-16 साल का था, तो मैंने एक गेम खेलना चालू किया था, जो मेरी फर्स्ट बोलूं ना इंटरनेट पे चलने वाली पहली गेम बोल सकते हैं मल्टीप्लेयर, जो थी पैलाडिंस. ठीक है, तो वो गेम मैं जब छोड़ा, तब तक हार्डली 1000 या 1500 लोग इंडिया के होंगे वहां पे. ठीक है, तो उसमें मैंने स्पोर्ट पे खेला, पर इंडिया के लेवल पे तक मैं, हो सके इंडिया के लेवल पे मेरी टीम सेकंड या थर्ड तक आती थी. तो ठीक है, मैंने वो छोड़ दिया पूरा, क्योंकि इंडिया के यार लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता. तुम कितना भी ऊपर कर, कोई अप्रिशिएट कुछ करता ही नहीं है. कितना भी कर लो, क्या मेरी टीम इंडिया के लेवल पे पूरे इंडिया में सेकंड या थर्ड पे थी. वो अलग बात है, ठीक है, 1500 प्लेयर थे, तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं. बट यार कोई वैल्यू नहीं थी पहले 2-3 साल में. पर अभी बात करो ना यार, इतनी वैल्यू हो चुकी ना गेमिंग की. अभी तो ठीक है, हम लोग अभी
अभी इंडिया में बढ़ रहा है, अगर अभी बात करूं अगले 5-10 साल की, मतलब ये इतना आगे जाएगा ना ये अपना कम्युनिटी, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी और ये अपने स्पोर्ट, क्या लोग अब फ्यूचर में ना गेमिंग को भी प्रीफर करेंगे एज अ करियर, क्योंकि पहले लोग यार ऐसा थूकते थे हम लोगों पे, क्योंकि उन लोगों को लगता था ये गेमिंग सब बच्चों का चीज है, ठीक है, लोग अपने घर पे बैठे बैठे बस बैठे रहते और सिर्फ अपने क्या बोलते बच्चों का काम करते रहते और कुछ उनके पास काम धंधा रहता नहीं, वो सब ऐसा समझते थे। बट अभी यार ऐसा कुछ नहीं है यार, अभी तो यार ये जो बढ़ेगा ना आगे तुमको पता नहीं क्या होगा यार, बहुत अब यार अभी टूर्नामेंट भी जीतते हैं लोग यार, जैसे पबजी ऑन का टूर्नामेंट को भी तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, और अपना ये जो फोर्टनाइट का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें जो बुगा जीता था उसकी वजह से जीनस में पूरा डीएनए आया था उसकी तरफ से। हमारी अगली खबर देश के उन माँ बाप के लिए जरूरी है जो सारा दिन ये शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा दिन भर वीडियो गेम खेलता रहता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता। ऐसे माता पिता से आज हम कहना चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा वीडियो गेम का शौकीन है और अपना ज्यादातर समय वीडियो गेम खेलते हुए बिताता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा वीडियो गेम खेलकर करोड़ों रुपए भी कमा सकता है और वर्ल्ड चैंपियन भी बन सकता है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में बिल्कुल ऐसा ही हुआ, वहां पर सिर्फ 16 साल की उम्र में एक युवक ने 21 करोड़ रुपए जीते हैं, वो भी वीडियो गेम खेलकर। तो जी न्यूज मतलब इंडिया की जो मेन जो रहती है न्यूज चैनल वो भी कवर कर रहे अभी गेमिंग को, मतलब सोच सकते हो कितना आगे बढ़ने वाला अपना गेमिंग, तो इसको एज अ करियर यार अभी देख सकते हैं अभी, क्योंकि पहले कुछ नहीं था, पहले के जो गेमर्स रहा करते थे कुछ नहीं, मतलब उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, आज कितने टैलेंट थे इंडिया में पर सब छोड़ के चले गए, क्योंकि किसी को कदर ही नहीं थी किसकी, कितना भी तुम लोग अच्छा खेलो यार किसी को फर्क नहीं पड़ता था, सब लोग यही समझते थे ये लोग सिर्फ बच्चे घर पे बैठे रहते और कुछ काम धंधा नहीं है नहीं। तो वैसे तुमको आप ये सब बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज मैंने देखा कि राकाज़ोन को पता है इंडिया का यूट्यूबर जो कि पीसी गेम्स खेलता है, मेरे को कभी लगा नहीं था कि पबजी मोबाइल के अनुवाद की इंडिया के पीसी में भी इतना कोई बदलाव आएगा पीसी गेम्स में भी, क्योंकि पबजी मोबाइल ने सारी मोबाइल की मतलब इतना वैल्यू बढ़ा दिया था कि सब मोबाइल कंपनी सब इतने चल चुकी है और पबजी मोबाइल लाइक ट्रेंड में अभी भी है, तो मेरे को लगा नहीं था कोई चांस पीसी गेम्स का अगले 2-3 साल में। बट आजकल तुम लोग स्ट्रीम देखोगे सबकी, कैरी की कोई भी डायनामो की स्ट्रीम देख लो, सब लोग बस एक ही चीज कर रहे हैं जी उनको जीटीए देखना है, उनको हॉरर गेम्स देखने, मतलब लोगों का यार इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, पहले सब लोगों को बस एक ही चीज थी भाई पबजी गेम खेलो पबजी मोबाइल खेलो और कुछ नहीं। आज राकाज़ोन के गेमिंग अभी उसने हाईएस्ट वॉचिंग क्रॉस की थी उसने 8300, मतलब यार उसने पीसी गेम खेलते हुए यार सिर्फ पीसी गेम खेलते हुए यहाँ तक पहुंचा था बंदा और 8300 वॉचिंग की उसने आज जीटीए पे। तो यार गेमिंग इंडिया में भी गेमिंग बढ़ रहा है और पबजी मोबाइल वाले भी कितने अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, कितने टूर्नामेंट्स इंटर टूर्नामेंट्स ऑनलाइन टूर्नामेंट्स कितने टूर्नामेंट कर रहे हैं, कितने रुपए दे रहे हैं लोगों को, और आपके पास अगर स्किल्स से कुछ भी है तो यार आपके पास आराम से चांस है आप कोई भी टीम ज्वाइन कर सकते हो और किसी के साथ भी खेलो यार, जस्ट अगर आपके पास स्किल्स है तो आप यार अपना काम करियर बना सकते हो ये चीज में। और इंडिया के लोग यार कितने यूजर्स है इंडिया में आज इंटरनेट यूजर्स, तो सब कंपनी सब जो भी गेमिंग कंपनी सब इंडिया को फोकस कर रही है, फोर्टनाइट को भी इंडिया का सर्वर देना पड़ा सबको अभी, क्योंकि इंडिया का भाई इतना बड़ा मतलब जो ऑनलाइन यूजर्स इतने सारे मतलब गेमर्स है सब कुछ अभी बढ़ रहा है, अभी अब देखते जाए यार आगे 5-10 साल में बहुत बहुत कुछ होने वाला है गेमर्स के लिए, तो कभी सोचा नहीं था यहाँ तक आज तक यार इंडियन गेमर्स की इतनी वैल्यू होगी अभी इतनी होने वाली है। तो बस यार आज के वीडियो यहाँ पे खत्म करते हो और ठीक है आज मैं बोलूंगा नहीं सब्सक्राइब करो कुछ भी नहीं, बस यही चीज देख के यार मजा आ गया यार गेमर्स की अभी कुछ वैल्यू रहेगी मार्केट में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।